स्टूडेंट स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है जो कि एक फार्मूला आप जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। और एक होता है, एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी था, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है। और अगला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए बी की जगह यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, अब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि क्वेश्चन पहले वाले पैटर्न पर है, समझिएगा। यहाँ पे दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और अपॉन में ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए नीचे वही है, बात सभी को समझ में आ रही है, बात से नीचे वही है। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए इसको अगर ए मानते हैं, 2.7 को अगर ए मानते हैं और 2.2 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो हम लिखेंगे क्या, ए माइनस बी लिख लेंगे और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, देखिए ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर है और प्लस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसे कट जाएगा, आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा पूरा कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा, मतलब 2.7 में से क्या निकालना होगा, 2.2 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। हालांकि अगर आपको फार्मूला याद होता है डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए नीचे आता है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा नीचे, देखिए तो इसको सॉल्व करें नीचे नीचे, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें से इसको सिर्फ घटाना इसका काम हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या सकता है, कभी कभी इसके नीचे मतलब यहाँ पर नीचे माइनस दे देगा और ऊपर वाले में प्लस दिया जाएगा, तो हमारे पास ए प्लस बी मतलब इन दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला था तो हमने माइनस वाला आंसर लगा दिया, 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आ गई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।